प्रिया और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गिलोई के उपयोग और गिलोई खाने के कुछ सुने अनसुने फायदों के बारे में। गिलोई को हिंदी में गुड़ुची, अमृत वाली और मधुपर्णी कहते हैं और इंग्लिश में इसे टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहा जाता है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि गिलोई से कई सारी बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। गिलोई ज्यादातर आम और नीम के पेड़ के आसपास पाया जाता है और ये पान के पत्तों की तरह होता है। इसकी पत्तियों में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और स्टार्च होता है। साथ ही इसमें एंटीबायोटिक और एंटीवायरल मिनरल्स भी होते हैं। गिलोई से हम खून की कमी को दूर कर सकते हैं। रोज सुबह 20 ml गिलोई के रस में 5 ml घी या हनी को मिक्स करके पीने से खून की कमी दूर हो जाती है और खून साफ भी हो जाता है, जिससे ब्लड रिलेटेड बीमारी नहीं होती। गिलोई के जड़ में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारी को रोक सकते हैं। 100 ग्राम वीट ग्रास, 50 ग्राम गिलोई के स्टेम को 10 से 15 तुलसी और नीम को मिक्स करके जूस बना लें और सुबह सुबह खाली पेट हफ्ते में 3 बार पीने से कैंसर को रोका जा सकता है। जॉन्डिस के पेशेंट को गिलोई के 5 से 8 पत्तों को स्टेम के साथ जूस निकालकर मिश्री के साथ हफ्ते में 4 दिन पिलाने से जॉन्डिस धीरे धीरे कम हो जाएगा और दोबारा कभी नहीं होगा। या फिर गिलोई के 1 चम्मच पाउडर को 2 चुटकी काली मिर्च के साथ 2 चम्मच शहद मिलाकर खाने से जॉन्डिस कभी नहीं होगा। गिलोई के 10 से 20 पत्तों का रस निकालकर हल्का गर्म करके कान में 2 बूंद सुबह और शाम डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। और अगर कान में डस्ट या मैल है तो गिलोई के रस को 10 ml पानी में मिलाकर दोनों कानों में डालें, इससे मैल निकल जाएगा। रोज सुबह 20 ml गिलोई के रस को पीने से खून का शुगर लेवल कम होता है, साथ ही डायबिटीज से होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाता है। गर्मी के समय में कई लोगों को उल्टी होती है, ऐसे में गिलोई के 5 से 6 पत्तों को मिश्री या शहद के साथ मिक्स करके दिन में 2 बार खाने से उल्टी नहीं होगी। 30 ग्राम गिलोई पाउडर और 20 ग्राम त्रिफला पाउडर को हल्के गर्म पानी में मिक्स करके शहद के साथ खाली पेट सुबह और शाम पीने से मोटापा जल्दी कम हो जाता है। और हाँ, रोज सुबह खाली पेट 30 ml गिलोय के रस को पीने से आप यूरिन रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, जोड़ों के दर्द से, ट्यूबरकुलोसिस, फेस पर हुए पिंपल या फिर पाइल्स हो या मिर्गी की बीमारी, इन सभी रोगों से बच सकते हैं। इसलिए इसे अमृता या अमृत भी कहते हैं। इसी के साथ गिलोई के फायदों पर बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खों के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल लाइफ केयर को यहाँ से सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइफ केयर चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। सो टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।